एलोपैथी को लेकर विवादित बयान के मामले में कम नहीं हो रही बाबा रामदेव की मुसीबत। अब आईएमए की झारखंड यूनिट ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा, 14 दिन में मांगा जवाब। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस बालकृष्ण नारायण को बनाया गया। अब कुछ खबरें कोरोना महामारी से जुड़ी, फिर बढ़ी देश में कोरोना से मौतों की संख्या, 24 घंटों में 3,380 मरीजों ने तोड़ा दम। 24 घंटों में 1,30,000 संक्रमित मिले, 1,97,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। केरल में 5 से 9 जून तक और सख्त रहेगा लॉकडाउन, संक्रमण दर कम करने की कोशिश। महाराष्ट्र में संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर मिलेगी लॉकडाउन में छूट। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 14,152 नए मरीज, 299 मौतें। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 523 नए मामले, 50 मौतें। रांची में मिले कोरोना के 40 पॉजिटिव मामले, राज्य में 13 संक्रमितों की मौत। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 665, 24 घंटों के भीतर हट सकता है लॉकडाउन। कोरोना को लेकर एंटीबॉडी की जांच के लिए यूपी में शुरू हुआ सीरो सर्वे। पश्चिम बंगाल में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 से 44 की उम्र के लोगों को मिलेगा सीएम ममता की फोटो वाला सर्टिफिकेट। बिहार में पिछले 24 घंटों में 33 मरीजों की मौत, 991 नए मामले सामने आए। नागेंद्र फेम एक्टर पर भी पुरी को मुंबई पुलिस ने 4 जून को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एक महिला ने रेप और छेड़छाड़ का आरोप लगा केस दर्ज कराया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक हटने के बाद फिर से रिस्टोर, ट्विटर ने दी सफाई, लंबे वक्त से लॉगिन नहीं हुआ था उपराष्ट्रपति का अकाउंट, इसलिए हट गया था ब्लू टिक।